हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पिक्सआर्ट के अंदर इस स्टेप से फोटो एडिटिंग के साथ साथ फोटो बैकग्राउंड कैसे चेंज करते हैं वो सिखाने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, इस स्टेप का एडिटिंग आप भी अपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में कर सकते हैं। सबसे पहले पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर देना और मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक से फ्रेंड्स सारे इमेजेस को डाउनलोड कर देना है। सबसे पहले आपको बैकग्राउंड का सिलेक्शन कर देना है। बैकग्राउंड सेलेक्ट होने के बाद फ्रेंड्स बॉटम लेयर पे आना और यहाँ पे आपको ऑल फोटो वाला ऑप्शन मिल जाएगा। ऑल फोटो वाला ऑप्शन पे चले जाना और फ्रेंड्स आपको अपनी गैलरी में से एक फोटो लेना है। फ्रेंड्स फोटो कुछ इस स्टेप से सेटिंग पोजीशन वाला होना चाहिए जो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। सो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं कुछ स्टेप से फोटो ले रहा हूँ। फ्रेंड्स आप भी इसी टाइप का फोटो सेटिंग वाला ले सकते हो और उसका बैकग्राउंड को इरेज कर सकते हो। सो फ्रेंड्स मैंने एक फोटो ले लिया। फोटो लेने के बाद इसको बैकग्राउंड इरेज करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन रहेगा कटआउट वाला। ये कटआउट वाला हर ऑप्शन आपके पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको पर्सन वाला जो ऑप्शन रहेगा फर्स्ट स्टेप पे वो आपको सेलेक्ट कर देना है। इसकी वजह से क्या होगा, जो पीछे का बैकग्राउंड वो ऑटोमेटिक यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। कोई भी आपको वेबसाइट पर जाना नहीं है, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है, पिक्सआर्ट एप्लीकेशन आपको यहाँ पर ईजिली अवेलेबल हो जाता है। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको इसी फोटो को यहाँ पे पहाड़ के ऊपर कुछ स्टेप से स्ट्रेच करके बिठा देना है। तो देख सकते हैं कि फ्रेंड्स एक अच्छा फोटो इफेक्ट यहाँ पे बनके रेडी हो चुका है। नेक्स्ट प्रोसेस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से ऑल फोटो में जाएंगे। ऑल फोटो में जाकर फ्रेंड्स आपको अपनी गैलरी में से एक PNG फोटो लेना है। ये पक्षी वाला इमेज आपको रहेगा, ये यहाँ पे लेफ्ट अलाइन है राइट अलाइन करके आप अपनी इमेज के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। इस फोटो को छोटा करके फ्रेंड्स हमें फिर से ऑल फोटो में जाना। ऑल फोटो में जाकर फ्रेंड्स आपको एक यहाँ पे दूसरा जो इमेज रहेगा PNG इमेज वो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये वाला जो पेड़ वाला PNG इमेज रहेगा फ्रेंड्स वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। इसी इमेज को क्या कर देना है, आपको स्ट्रेच करके ये जो बंदा बैठा है उसके पास में यहाँ पे सेट कर देना है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे पेड़ को क्या करना है, मूव टू डाउन कर देना है जिससे ये जो बंदा है इसके पीछे पेड़ चला जाएगा। यहाँ से आपको फिर से ऑल फोटो वाला ऑप्शन पर चले जाना है। ऑल फोटो वाला ऑप्शन में जाकर फ्रेंड्स क्या कर देना है, एक अलग से एक शैडो PNG लेना है और यही शैडो PNG को आपको क्या कर देना, पेड़ का जो नीचे वाला भाग है वहाँ पे आपको इसे सेट कर देना स्ट्रेच करके। फ्रेंड्स इस स्टेप से आपका सिनेमेटिक फोटो एडिटिंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स आप भी इस स्टेप से फोटो एडिटिंग करके अपने फेसबुक पोस्ट और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा सकते हो। तो फ्रेंड्स इस स्टेप से फोटो एडिटिंग यहाँ पे बहुत ही अच्छा बन चुका है। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पे नहीं है तो चैनल को कर दिया सब्सक्राइब। धन्यवाद फ्रेंड्स।